हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट सुविधा विद लास्ट पार्ट। तो गाइस, राधा कृष्ण जी की ये वाला ड्राइंग का ये है लास्ट पार्ट। यहाँ पर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड एंड फ्लावर के जो शेडिंग है वो ही बाकी है। तो शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से। जो यहाँ पर गाइस मैं लाइट स्काई एंड डार्क स्काई यहाँ पर यूज की हूँ, देन उसके बाद मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज कर रही हूँ व्हाइट कलर। यहाँ पर गाइस मैं पूरा का पूरा ड्रॉइंग में जो भी व्हाइट एंड ब्लैक कलर का यूज की हूँ वो है ब्रूस्टर के कलर पेंसिल। अदरवाइज मैं यहाँ पर डोम्स के कलर पेंसिल ही यूज की हूँ। ये पर गाइस मैं बैकग्राउंड के लिए एक साइड पे हल्का येलो एंड ऑरेंज कलर का यूज़ की हूँ एंड एक साइड पे स्काई कलर का यूज़ की हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा था कि बैकग्राउंड को ऐसे ही छोड़ दूंगी, लेकिन बहुत ही खाली खाली लग रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लावर देकर थोड़ा सा बैकग्राउंड को अलग सा लुक देने की कोशिश की हूँ। अब आते हैं गाइज रेफरेंस के अनुसार कान्हा जी के हेड पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स जैसे कि राधा जी की एक साइड पे है, उसी तरह से पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इसलिए मैं पर येलो ऑरेंज कलर से कुछ फ्लावर बनाने की कोशिश की हूँ। कुछ ये पर पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, थोड़ा बहुत चेरी रेड का यूज़ की हूँ, टोमेटो रेड का यूज़ की हूँ, थोड़ा सा स्किन कलर यूज़ की हूँ। इसी तरह से बहुत सारे जो भी फ्लावर्स वगैरह हैं, रोज वगैरह, उसी को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की हूँ। एकदम रेफरेंस जैसी, कुछ भी अलग सा नहीं है, थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ की हूँ व्हाइट कलर की। हल्के हाथों से मैं लेयर बाय लेयर यहाँ पर काम की हूँ। जिन्होंने अभी तक इस पार्ट के और भी जो पार्ट है, पिछले वाले पार्ट जहाँ पर मैंने शेडिंग पार्ट थे, जैसे कि ग्रिड मेथड से मैं ये वाला ड्राइंग को आउटलाइन को क्रिएट किया, ये सारे देखना चाहती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारे पार्ट्स के रील लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे नए नए वीडियोज़ आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मेरे ड्राइंग के आप इमेज को देख सकते हैं। मेरे साथ साथ अगर कुछ आप लोग भी ड्रॉ करते हैं और मुझे इंस्टाग्राम के स्टोरी में मेंशन करते हैं, तो मैं अपने स्टोरी में वो डाल दूँगी। ये पे गाइस मैं जो पेपर यूज़ कर रही हूँ वो है ब्रूस्टर के मीडियम सरफेस वाले पेपर, एंड यहाँ पे मैं एक्सपेंसिव कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो भी ब्रूस्टर के व्हाइट एंड ब्लैक कलर वो अलग से आते हैं, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन व्हाइट और ब्लैक कलर बहुत ही अच्छे हैं ब्रूस्टर के। सारे कलर ब्रूस्टर के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। मैं यहाँ पर डोम्स के कलर पेंसिल, जिसका प्राइस है 250 रुपीज़, जो प्रीमियम वाला डोम्स के कलर पेंसिल है, जिसका पिगमेंटेशन कम बजट में बहुत अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर रिजल्ट। मैं यहाँ पर कलर डोम से ही कर रही हूँ, कैसा हो रहा है आप लोग भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप कम बजट वाले चीज़ों से भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो रियलिस्टिक। इस तरह टाइप के बहुत सारे ड्राइंग्स मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है तो सेटिंग में जाकर स्पीड को आप लोग कम कर सकते हैं। सिंपली गाइज यहाँ पे भी मैं फ्लावर को रेफरेंस के अनुसार थोड़ा बहुत मैंने लेयर बाय लेयर यहाँ पर काम की हूँ। पहले हल्के हाथों से जो भी कलर है उसी तरह से यहाँ पर मैं कलर की हूँ, ब्लेंडिंग की हूँ व्हाइट कलर से, देन उसके बाद मैं फिर से वही कलर से लेयर चढ़ा रही हूँ। जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर डार्क कलर चढ़ रही हूँ। खूब बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, देख देख के रेफरेंस को जस्ट देखना है एंड कलर करते जाना है। ये वाला ड्राइंग गाइज आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर एक कमेंट जरूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग देखते हो, कुछ भी लाइक वगैरह मुझे नहीं चाहिए, अच्छा लगता तो कुछ भी कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगता फिर भी कमेंट कीजिए, कुछ जानना हो तो फिर भी कमेंट थोड़ा बहुत कर लीजिए। एंड गाइज ये वाला वीडियो किसी को हेल्प करता है तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। फ्लावर में थोड़ा सा हाईलाइट पोर्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ की हूँ व्हाइट नारकी। आप लोग चाहे तो एक्रेलिक व्हाइट कलर का यूज़ कर सकते हो, व्हाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास जेल पेन खत्म हो चुकी है इसलिए, और यहाँ पर गाइस मेरा ड्राइंग हो चुका है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।